सराय स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। लिंग लिंग क्या होता है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। लिंग होता है उसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है, पहचान। जिसको हम पहचान कहेंगे वो लिंग का शाब्दिक अर्थ है। या फिर इसकी परिभाषा ये है, स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति ज्ञान कराते हैं उसको लिंग कहते हैं। उसके बाद आता है लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग उसके दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पहले को पुल्लिंग कहेंगे, दूसरे को कहेंगे स्त्रीलिंग। उसके बाद आता है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे लड़का, लड़का क्या है? पुरुष जाति का बोध करा है। शेर, शेर पुरुष जाति, दादा, चिड़ा, ये पुल्लिंग शब्द के भेद हैं, उदाहरण है। जैसे लड़का है, शेर है, दादा है, चिड़ा है, जैसे उदाहरण उदाहरण लड़का पौधों में पानी दे रहा है, तो लड़का क्या पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद आता है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द हम स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, दादी, चिड़िया। क्योंकि यहाँ पर लड़का, शेर, दादा और चिड़ा ये पुल्लिंग थी, तो लड़का का हमने स्त्रीलिंग बना दिया। लड़की शेर का बना दिया, शेरनी दादा का हो गया, दादी चिड़ा का हो गया चिड़िया। ये क्या बन गए? पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन गए। उदाहरण है लड़की पौधों में पानी दे रही है, हमारे यहाँ पर क्या था? लड़का। लड़का का क्या हो गया? लड़की। यहाँ पर दे रहा है लड़का था, तो यहाँ पर लड़की पानी दे रही है। अब हम क्या करेंगे? पहचान के कुछ नियम कि ये पुल्लिंग है कि स्त्री लिंग है, इनके बारे में कुछ नियम, कौन कौन से नियम होते हैं। जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? तो सबसे पहला है पुल्लिंग की पहचान। पहले पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पर्वतों के नाम, जो पर्वत हैं, हिमालय पर्वत है, अरावली है, सतपुड़ा है, ये क्या पर्वतों के नाम है। पर्वतों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद आता है मासों के नाम। मासों तो महीनों के नाम, जैसे देसी महीने हो गए, सावन हो गया, चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, या फिर जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च हो गई, ये मासों महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद आता है वृक्षों के नाम। वृक्ष जो होते हैं जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, ये वृक्षों के नाम है, ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद वो होते हैं जो नियम से विपरीत हो। जैसे इमली है, इमली वृक्ष है, लेकिन इमली क्या है? स्त्रीलिंग है। मूल सिरा है, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है, वृक्ष के नाम। उसके बाद होता है अन्नों के नाम। अन्न होते हैं, अनाज होते हैं, उनके नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद द्रवों के नाम, द्रव जैसे दूध हो गया, दही, ये क्या हो गए? द्रव है, इनके नाम भी क्या हो गए? पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद वारों के नाम, वार होते हैं उनके नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद धातुओं के नाम, धातु जैसे हीरा हो गया, सोना हो गया, ये क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन चांदी क्या है? इसमें अपवाद है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद है रत्नों के नाम। रत्न होते हैं जैसे मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, ये रत्नों के नाम है, ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। कुछ ग्रहों के नाम, कुछ ग्रह होते हैं उनके नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल है, बुध है, सूर्य है, चंद्रमा आदि, ये क्या है? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए क्या है? पुल्लिंग कराते हैं। उसके बाद आता है कि हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे कि ये सब स्त्रीलिंग है। इनकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नदियों के नाम, जो भी नदी है उसका नाम क्या है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे गंगा है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है, सतलुज है, झेलम है, ये नदियों के नाम है। नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद स्त्रियों के नाम, जैसे सीता है, गीता है, ममता है, बबीता है, जो भी स्त्री के नाम है वो क्या होते हैं? पुल्लिंग।
अथवा लिपि का नाम, जो भी बोली है, जैसे हिंदी बोली है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, तो हिंदी और देवनागरी क्या है, कुल स्त्रीलिंग है। इसी तरह संस्कृत की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी, ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। उर्दू की लिपि का नाम क्या है, फारसी है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। पंजाबी की लिपि का नाम क्या है, गुरुमुखी है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। कोई भी बोली है या लिपि उसका नाम स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद तिथियों के नाम, तिथि होती है जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियाँ हैं, इनके नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद किराने की सामान के नाम, किराने की दुकान पर जो सामान मिलता है जैसे इलायची है, लौंग है, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, ये स्त्रीलिंग है। आज का हमारा टॉपिक था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के बारे में हमने बताया है, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको हमारा जो विषय है वो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।